देखो यार, अगर तुम लोग MGF के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि AEW डेब्यू के अंदर MGF के दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर MGF का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। AEW और NJPW के 3 बार फॉरबिडन डोर के बाद AEW फाइनली टोक्यो डोम में डेब्यू करने जा रही है। AEW में स्वर्व स्टिकलैंड और विल ऑस्प्रे के मैच के प्लान चेंज होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW में ब्रिट बेकर के रिटर्न होने से पहले ब्रिट बेकर को बेला ट्विंस के साथ देखा गया है। तो गाइस, वहीं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, हम इसको लेकर इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट की। वेल गाइस, बात करें अगर यहां पर फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2 दिन पहले AEW के फॉरबिडन डोर के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे और स्वर्व स्टिकलैंड के बीच में 5-स्टार क्लासिक मैच देखने को मिला। और गाइस इन दोनों के काफी जबरदस्त मैच के बाद स्वर्व यहां पर ऑस्प्रे को बीट करके टाइटल को रिटेन कर चुके गए। बट गाइस अब यहां पर इस मैच के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी कि AEW के अंदर जब यहां पर विल ऑस्प्रे ने डेब्यू किया था तो एक टाइम पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चली थी कि AEW कंपनी विल ऑस्प्रे और स्वर्व स्टिकलैंड के बीच में ऑल इन पर मेन इवेंट कराने वाली गए। और वेम्बले स्टेडियम में विल ऑस्प्रे के होम कंट्री के अंदर ऑस्प्रे यहां पर स्वर्व को हराकर AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। और कई सारे लोगों का यह कहना था कि स्वर्व स्टिकलैंड AEW के ट्रांजिशनल चैंपियन थे, जिसको यहां पर चैंपियन सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि वो विल ऑस्प्रे से वेम्बले स्टेडियम में हारे। और गाइस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर AEW में स्वर्व स्टिकलैंड के ट्रांजिशनल चैंपियन होने के आरोप लगने के बाद ही AEW कंपनी ने यहां पर विल ऑस्प्रे और स्वर्व स्टिकलैंड के मैच को वेम्बले स्टेडियम में ना करके बल्कि फॉरबिडन डोर पर किया। और गाइस फाइटफुल ने यह कंफर्म किया है कि AEW के अंदर इस मैच का वेम्बले स्टेडियम ऑल इन में ना होके बल्कि फॉरबिडन डोर पर होगा। यह और किसी का नहीं बल्कि विल ऑस्प्रे का आइडिया था, क्योंकि गाइस विल ऑस्प्रे यह नहीं चाहते थे कि सोशल मीडिया पर लोग यहां पर स्वर्व को ट्रांजिशनल चैंपियन कहे। और गाइस विल ऑस्प्रे पर्सनली यह चाहते थे कि लोग यहां पर स्वर्व स्टिकलैंड के टाइटल रिंग को रिकॉग्नाइज करें, और इसीलिए विल ऑस्प्रे ने पर्सनली AEW के अंदर इस मैच को फॉरबिडन डोर पर बुक करने के लिए AEW से रिक्वेस्ट किया ताकि वो यहां पर AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर स्वर्व स्टिकलैंड से हार के AEW के ऑल इन पेपरव्यू से पहले AEW के वर्ल्ड टाइटल पिक्चर से हट जाए। और गाइस जो लोग यहां पर यह मान रहे थे कि विल ऑस्प्रे के AEW में आने के बाद वो स्वर्व को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, उन लोगों के मुंह बंद हो जाए। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के पर्सनल रिक्वेस्ट की वजह से AEW ने स्वर्व को ऑस्प्रे से जितवा दिया है। और गाइस यहां पर बेसिकली ऑस्प्रे ये पॉइंट प्रूफ करना चाहते थे कि उनके AEW में आने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं के कि वो यहां पर आते ही AEW कंपनी के वर्ल्ड टाइटल को छीन ले। और गाइस ऑस्प्रे यहां पर AEW के अंदर AEW के बाकी रेसलर्स को आगे बढ़ाने के लिए वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पर उनके खुद के मेन इवेंट को सैक्रिफाइस कर चुके गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि AEW के ऑल इन का ओरिजिनल मेन इवेंट फॉरबिडन डोर पर हो चुका है, तो टोनी खान ओरिजिनली इस साल ऑल इन पर कौन सा मैच बुक करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियंस की, तो गाइस यहीं AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर MGF के होम टाउन पर हैंसी सेरू को बीट करने के बाद अब MGF ने AEW में उनके पॉसिबल वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात की के यहां पर इस हफ्ते MGF से जब ये पूछा गया कि क्या वो AEW पर रिटर्न होने के बाद AEW के अंदर वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करना चाहेंगे, तो गाइस यहां पर MGF जवाब देकर ये कहते गए कि वो डेफिनेटली AEW के वर्ल्ड टाइटल को दोबारा जीतना चाहेंगे। बट गाइस वो ये बिलीव नहीं करते गए कि इस समय उन्हें यहां पर AEW के वर्ल्ड टाइटल के लिए जाना चाहिए। और गाइस MGF करंटली AEW में अंदर उनका फोकस AEW के वर्ल्ड टाइटल पर ना रखकर बल्कि दूसरी चीजों पर रखना चाहते गए। और जब यहां पर MGF को ये लगेगा कि अब यहां पर परफेक्ट टाइम आ चुका है, तभी वो AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। और फिलहाल यहां पर AEW के अंदर MGF का दूर दूर तक वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करने का कोई भी प्लान नहीं है। और गाइस बेसिकली MGF ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर AEW के अंदर इस समय वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने वाले नहीं गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रिटर्निंग सुपरस्टार DMD ब्रिट बेकर की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने उनका शॉकिंग रिटर्न किया। और यही फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रिट बेकर के रिटर्न होने से पहले इस हफ्ते यहां पर ब्रिट बेकर को WWE की फॉर्मर सुपरस्टार निकी बेला और ब्री बेला के साथ देखा गया था, जहां पर इन दोनों के न्यूयॉर्क में लेटेस्ट पार्टी के ऊपर ब्री
एंजेली बेला और निकी बेला के साथ साथ AEW सुपरस्टार ब्रिट बेकर मौजूद थी। और गाइस यहीं बेला ट्विंस के साथ ब्रिट बेकर की ये फोटो वायरल जाने के बाद अब काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि बेला ट्विंस आज नहीं तो कल AEW को ज्वाइन करने वाले गए। वेल गाइस मुझे पर्सनली नहीं लगता ही कि बेला ट्विंस के ब्रिट बेकर के साथ पार्टी करने का बेला ट्विंस के AEW में डेब्यू से कुछ भी लेना देना है। बट गाइस आपको क्या लगता है, AEW को बेला ट्विंस को साइन करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के मेगा मेन इवेंट की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर AEW शिकागो में डबल फॉरबिडन डोर का आफ्टर डायनामाइट करने वाले गए। बट गाइस यहीं अब AEW के एक मेगा मेन इवेंट को लेकर एंड्रू जेरियन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेरियन ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी यहां पर आने वाले डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मेन इवेंट करने वाले गए। और ये मेन इवेंट यहां तो ये AEW कंपनी 10 जुलाई को करेगी या फिर 17 जुलाई के डायनामाइट पर करने वाले गए। और एंड्रू जेरियन ये तो कंफर्म नहीं गए कि AEW का ये मेन इवेंट AEW कंपनी कैलगरी में AEW के 10 जुलाई के डायनामाइट पर करेगी या 17 जुलाई के डायनामाइट पर करेगी। बट गाइस एंड्रू जेरियन ये कंफर्म कर सकते गए कि AEW कंपनी कोई बहुत ही बड़ा मैच मेन इवेंट पर करने वाले गए। और ये जो मैच डायनामाइट को मेन इवेंट करेगा ये AEW के पेपरव्यू को मेन इवेंट करने वाला मैच है। और गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि आखिर AEW का ये कौन सा मैच है जो AEW 10 जुलाई या 17 जुलाई के डायनामाइट को मेन इवेंट पर कराती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टोक्यो डोम में डेब्यू करने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW और NJPW पिछले 3 साल से अमेरिका के अंदर फॉरबिडन डोर कर रहे गए। और गाइस अमेरिका और कनाडा में फॉरबिडन डोर के बाद काफी सारे लोग लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि AEW को NJPW के साथ जापान में फॉरबिडन डोर करना चाहिए। तो वहीं काफी सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि AEW को जापान में टोक्यो डोम में शो करना चाहिए। वेल अब यहां पर फाइनली AEW कंपनी NJPW के साथ मिलकर जापान पर डेब्यू कर रहे गए। बट गाइस यहां पर ये पेपरव्यू और कहीं ना होके बल्कि AEW और NJPW टोक्यो डोम पर कर रहे गए। और गाइस 4 जनवरी को एनुअल NJPW के रसल किंगडम पेपरव्यू के बाद इस साल NJPW कंपनी 5 जनवरी के ऊपर टोक्यो के अंदर उनका एक और शो करेगी जिस शो का नाम रसल डायनेस्टी होने वाला है। और बेसिकली ये शो सिर्फ NJPW का शो ना होके बल्कि 5 कंपनी के इन्वॉल्व होने वाला शो होने वाला है। गाइस यहां पर AEW और NJPW ने ये अनाउंस कर दिया है कि AEW और NJPW के ब्लॉकबस्टर फॉरबिडन डोर के बाद अगले साल 5 जनवरी के ऊपर AEW NJPW कंपनी टोक्यो डोम के अंदर उनका ज्वाइंट शो करेंगे। इस शो के अंदर AEW और NJPW के अलावा 3 और बड़ी कंपनी इन्वॉल्व होने वाली गए जो यहां पर और कोई नहीं बल्कि स्टारडम रेसलिंग, CMLL रेसलिंग और ROH रेसलिंग होने वाली गए। और गाइस यहां पर बेसिकली 4 जनवरी को NJPW के बिगेस्ट पेपरव्यू रसल किंगडम इन टोक्यो डोम के बाद NJPW बैक टू बैक टोक्यो डोम में 5 जनवरी को शो करेगी। बट गाइस 5 जनवरी वाला शो सिर्फ NJPW का शो ना होके बल्कि AEW NJPW स्टारडम CMLL और ROH रेसलिंग का ज्वाइंट पेपरव्यू होने वाला है जिस पेपरव्यू के ऊपर बेसिकली इन 5ों कंपनी के रेसलर काम करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि रसल किंगडम के बाद NJPW के 5 जनवरी के ऊपर इस बड़े मेगा पेपरव्यू के अनाउंस करने के बाद AEW और NJPW टोक्यो डोम को सोल्ड आउट कर पाते हैं या नहीं। और गाइस AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर के बाद 5 जनवरी को रसल डायनेस्टी के ऊपर इस पेपरव्यू के ऊपर कौन कौन से ड्रीम मैचेज होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की। कल बात करें अगर यहां पर AEW के कल होने वाले डायनामाइट शो की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर AEW कंपनी उनके डायनामाइट शो को लंबे टाइम के बाद CM Punk के होम टाउन शिकागो में करेगी, जहां पर शिकागो में AEW के डायनामाइट शो AEW कंपनी विंटरस्ट अरीना में करने वाली गए जिस अरीना की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने करेंटली यहां पर करीबन 5379 के बराबर रखी गए, जहां पर 500 टिकट में से AEW कंपनी ने करीबन 4600 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइस AEW के 4600 टिकट को सोल्ड आउट करने के बाद अब भी शो के ऊपर AEW को करीबन 700 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। बट गाइस मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि AEW कंपनी यहां पर वॉक इन के साथ पॉसिबली फाइनल अटेंडेंस 5000 के बराबर लाने वाली है जो AEW के लिए काफी बेटर होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी AEW ने जब यहां पर दिसंबर में उनका शो किया था तो इस अरीना में AEW के शो पर 5000 लोग आए थे। और अगर यहां पर इस बार भी 5000
लोग आ जाते गए। तो गाइज एक डिब्यू का डायनामाइट सक्सेसफुल माना जाएगा। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज यहाँ पर विंटरस्ट अरीना में एक डिब्यू के शिकागो डायनामाइट शो के ऊपर कल यहाँ पर एक डिब्यू के अंदर एक डिब्यू में ब्रांड न्यू NJPW स्ट्रॉन्ग वुमन चैंपियन मर्सिडीज मून अपीयर होने वाली गए, जो यहाँ पर उनका डबल टाइटल सेलिब्रेशन करेंगी। तो गाइज यही ब्रिट बेकर के फॉरबिडन डोर पर शॉकिंग रिटर्न के बाद DMD ब्रिट बेकर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर शिकागो में उनका लाइव प्रोमो कट करेंगी। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर हमें यहाँ पर ब्रायन डेनिसन और पैक आमने सामने देखने को मिलेंगे। तो वहीं AEW के वुमेन डिवीजन के ओवन कप के सेमीफाइनल के अंदर हमें यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर और विलो नाइटिंगेल आमने सामने देखने को मिलेंगी। और इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के अंदर जेफ जरेट वाइल्ड कार्ड एंट्री को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और अब तक तो ये अनाउंस नहीं हुआ है कि AEW का ये वाइल्ड कार्ड एंट्री कौन होने वाला है। बट गाइस लोग इस चीज को लेकर स्पेकुलेट कर रहे गए कि पॉसिबली हैंगमैन एडम पेज कल डायनामाइट पर रिटर्न करके जेफ जरेट को फेस करेंगे। बट गाइस फाइनली डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर कल AEW का इंटरनेशनल टाइटल ऑन द लाइन होगा, जहां पर विल ऑस्प्रे उनका टाइटल डेनियल गार्सिया के खिलाफ डिफेंड करेंगे। पल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि शिकागो में कल डायनामाइट पर और क्या कुछ बड़ी चीजें होती गए। वो आप लोग फॉरबिडन डोर के फॉलआउट डायनामाइट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।